जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा योग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। तो मगना
अब चलते हैं हमारे अजितनाथ भगवान प्रारंभ का स्वर प्रारंभ हो रहा है। आदिनाथ भगवान के स्वर में पांच विशेषताएं मुख्य तौर पर आदिनाथ भगवान की बताई गई। पहले आपको में स्वयंभू की, दूसरे में प्रजापति की, तीसरे में रुचु राज शासनु जितवा आत्मवाद, ये सारी विशेषताएं बताई गई। और इसके चौथे काव्य में बताया गया ब्रह्म परामृतेश्वर, और पांचवें काव्य में जित छुलक वादि शासन बताया गया है। अब चलते हैं अपन आज अजितनाथ भगवान की जयकार लगाते हुए और संदेश शिखर से पहले तीन का ऐसे जो मोक्ष गए हो, कौन से रूप से मोक्ष गए कमल जी? अजितनाथ भगवान कौन से रूप से मोक्ष गए? नहीं पता। हाँ कौन से रूप से मोक्ष गए? अगर नहीं है कितनी बंदना क्या सेकंड जी की? दो। अच्छा पहला तीसरी का तो पता लगा गया है। हाँ चलिए उनका जन्म अयोध्या में हुआ। इनके समकालीन चक्रवर्ती सागर जी थे। इनके माता पिता का नाम जित और जिनके साथ माता का नाम क्या था? अजितनाथ भगवान की सुमति। किसको पता है अजितनाथ भगवान की माँ का नाम? विजय विजय बहुत सुंदर क्या इसमें लिखा है क्या जी? हाँ अरे क्या कर आप नकल भी कहीं तो बता दो। यश क्या यश प्रभाव निर्दिवच कीड़ी जीव बुखार अजय सत्य भूमि बंधु वर्ग
दिवस इस पृथ्वी पर बंधु वर्गों के द्वारा भी जो कैसे बंधु वर्गों के बीच में भी जो अजय रहे ऐसे अजय सत्य रूपी बंधु वर्ग चकार नाम आजे पितृ वंदन। इसलिए आपका नाम क्या रखा गया इति अवंध्यम। अवंध्यम का मतलब सार्थक हुआ। नाम कौन सा नाम था अजयनाथ नाम इनका सार्थक कैसे हो गया तो स्वर्ग से जब देव इनके पास बाल क्रीड़ा करने आते थे क्या करने आते थे जी किधर करोगे क्रीड़ा मनुष्यों के साथ तो होते और देव भी उनके साथ क्रीड़ा करने आते थे। तो जब उनके पास देव क्रीड़ा करने आते थे तो उस समय क्या होता था उनके खेलों में भी वो जीत जाते थे। कौन जीत जाते थे अजिंद्र भगवान और अपने बंधु वर्गों के बीच में भी वो अजिंद्र भगवान ही जीता करते थे। कौन जीता करते थे अजिंद्र भगवान ही जीत जाते थे। और जब वो जीत जाते थे तो उनका नाम क्या पड़ा अजिंद्र नाम पड़ा। कौन सा नाम पड़ा अजिंद्र नाम पड़ा। तो क्या बोलेंगे अपन अजिंद्र भगवान का नाम क्या हो गया सार्थक हो गया। क्या हो गया अजिंद्र का नाम सार्थक हो गया। और सार्थक क्यों हो गया क्योंकि खेल में जीत। अब खेल में जीते सोसी टीका में चले
वर्तमान चौबीसी के तीर्थंकर है मुनि शुक्रनाथ भगवान। और
भगवान दशक साल से पहुंच गए थे शनिग्रह, इसलिए पहले कहा नहीं पता नहीं दस साल के पहले अजितनाथ भगवान के शासन को पूछते हैं और विद्या की देव
जीव देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हमने श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ा है। श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है कि जो कामना से देवी देवताओं की पूजा की जाती है और भावना से परमात्मा की पूजा की जाती है, इसलिए परमात्मा की पूजा निष्काम भाव से की जाती है। जब गीता के 12वें अध्याय के 25वें श्लोक में मैंने देखा, भगवत गीता हम जैन शास्त्रों की बात नहीं कर रहे, हमने 45 दिन तक गीता का प्रवचन दिया था लटेरी में और आगरवाल वालों, कितने दिन तक? 45 दिन तक गीता का प्रवचन दिया। क्यों दिया जैन साहब? इसलिए दिया कि सुनो जरा ध्यान से बात, श्री कृष्ण जी के माध्यम से कहलवाया गया, वेद व्यास जी ने लिखा उसे कि जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों को प्राप्त करता है, परमात्मा की पूजा करता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। पढ़ना किसी को गीता में मेरे पास रखी है राजेश, पढ़ना तो मेरे लिए बता देगा, मैं गीता आपको फोन के बताऊंगा। अब आप लोगों ने मेरा मनुष्य प्रकृति भगवान की पूजा शनिवार को इसलिए नहीं की कि मुनिशुद्रत वैसे भगवान के केवल ज्ञान से आपको प्रेम है, आपने इसलिए नहीं की कि उनकी वीतरागता से प्रेम है, आपने इसलिए नहीं की कि उनकी हितोपदेशता से मोक्ष मार्ग का उन्हें उपदेश दिया, इसलिए है तो स्व सिद्धि का मेल जने लोगे, अपनी सिद्धि की कामना से। और सिद्धि कौन सी करना चाहते हो महाराज जी? बहुत साल हो गए घर को मकान नहीं हो पा रहा हूं, आशीर्वाद है जो कम से कम घर को मकान पूजा बहुत बिल्कुल इतने आते 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 रजिस्ट्री आते आते रुक जाती है। बताओ तो मैं एक बार बता दूं आपको, मकान तो हो जाएगा, ठिकाना तो मिल जाएगा, लेकिन ठिकाना बिगड़ जाएगा और किसी का कोई स्थायी ठिकाना नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी एक कम से कम हमारा ठिकाना तो हो जाए, एक ठिकाना तो हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं किसी का भी ठिकाना नहीं रहा है। एक डाल दो पंछी बैठे, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला कंकर पत्थर जोड़ के तूने एक महल बनाया, नाग गलत
पता लग गया तो पहुंचेंगे क्या ठिकाने। इसलिए बंधुगण आप लोग अजितनाथ भगवान का स्मरण कर रहे हैं और अजितनाथ भगवान से कामना स्वसिद्धि कामने तो आपकी कामना क्या है? मकान बनवाना है, लड़के की शादी करवाना है और बच्चा नहीं मिला महाराज जी। तो एक बात भी बता दो, जो माँ हमने बड़वानी में बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा था, एक डीनर बोलता कि उसने पढ़वाया था हसन जी कि एक माँ मंगते मांगती है उसके, एक माँ मंगते मांगती है उसके लिए, उसके अच्छे जीवन के लिए, लेकिन वो मांगता है अंत में मौत के लिए कि इस माँ की मौत हो जाए। बुढ़ापो मेरी आ गया, बुढ़ापो मेरी आ गया, पुत्र की बहुए मरा जाते, पुत्र की बहुए मरा जाते, कब मर जाए बुढ़ापो मेरी आ गया। समझ लो आप, अगर सच को समझ रहे हो, एक माँ अपने बेटे को बेटा नहीं बोला है तो मन में मानती है दुनिया के देवी देवताओं के पास जाती है कि एक बेटा हो जाए, और बेटा उसकी माँ के लिए क्या मांगता है? ये माँ की सुधर जाए जल्दी, तो क्या मांगी उसको? मौत मांगी कि जीवन मांगे? तो ये ध्यान रखना, कामनाएं आपके पास बहुत सारी हो सकती है, लेकिन इन कामनाओं में दो प्रकार की कामना होती है, एक लौकिक कामना है, पारलौकिक की कामना। लौकिक कामना के कारण ये अजीब अजीब काम से संसार के चारों तरफ भटक रहा है। अब परमार्थ की अगर कामना कर लो, मोक्ष मांगने से नहीं मिलेगा। विभेदि गत्वा ततोऽस्ति मोक्षो नित्यं शुभं वाञ्छति नास्ति लाभाय तथापि वाणो भय कामो वशो वृथा सुरत तप्त देखने वाली व्यर्थ में तुम तपस्या करते रहेंगे कि हमारे यहाँ एक मोड़ा हो जाए, कौन हो जाए? एक मोड़ा हो जाए। और मोड़ा ऐसा हो कैसे हो? एक सज्जन एक महाराज जी के बहुत बड़े भक्त थे और पूरी भक्ति की उन्होंने, और भक्ति करने के बाद एक लड़का मर गया। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया महाराज जी ने कि तुम्हारे यह लड़का हो जाएगा, लेकिन सात दिन जिएगा। कितने दिन जिएगा? सात दिन जिएगा। उन्होंने कहा सात दिन जिए दिया तो वो तो जल्दी सात हो सकता है, फिर आपको आशीर्वाद हो जाए तो और जी जाए। नहीं सर, आशा से आसमान टिकी है, लेकिन एक ध्यान रखना, हर आदमी अधिक जीने की कामना कर रहा है, सौ सिद्धि की कामना करके, आत्म सिद्धि की कामना करके, वह सिर्फ लौकिक सिद्धि की काम कर रहा है, कामना कर रहा है। तो शरीर है, मकान है, शरीर है तो रोग जरूर होंगे, लेकिन शरीर आपका साथ हमेशा देने वाला नहीं। और शरीर की सेवा में आप दिनदार लगे। तीन प्रकार की चीजें हैं, ध्यान रखना, कौन कौन सी? संसार, शरीर और भोग। इन तीन चीजों की कामना के लिए दैव देवता सब पूछ जाते, जितने जहां भी कहेगा कोई वहां पूजा करने चले जाएंगे। अभी तो अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को दूने रोड बनवाना है, 100 रुपया दोगे 200 बन जाएंगे। बनवाना किसी को? हाथ बढ़ाओ। किसी को नहीं बनवा, बाद में आप एक हाथ बढ़ रहा है पीछे। तो ये अरविंद पंचोली थे, नौगावा राजस्थान बांसवाड़ा में, उन्होंने फतेहपुर गांव है वहां
वहां पर उन्होंने एक अपना उनको आदमी मिला जो दूने नोट बना देता था, एक तिपारा था उसमें 100 का नोट डालो 200 बन जाते थे, 2000 डालो 4000 बन गए। तो वो गया वहां पर तो उसने पहली बार में 500 डाले उसमें 1000 बन गया, बड़ी खुशी आ गया। दूसरी बार गया तो उसने 2000 डाल दिए तो 4000 बन गए। तीसरी बार वो गया तो उसने 10000 डाले 20000 बन गए। तो फिर बोले देखो तुम बार बार जो छोटे मोटे बल बन लो तुम तो आप लाल, तो उसने 5 लाख रुपए इकट्ठे किए, किसी के 10 लाख बन जाएंगे। और वहां पहुंचा, जैसे ही उसने अपना बैग रखा, अरे कितने लेके आए मैं साहब 5 लाख, ठीक है बैग उधर रख दिया, भीतर रख दिया। अब बोले कितने जल्दी बच सकते तुम, हम नहीं तो जिंदा भी नहीं जाओगे। ये सोच लो 5 लाख छोड़ के आए और लौट के बुद्धू। तो ऐसे लोग जो है ना कामना से जो है ना परेशान होते हैं, हर आदमी कामना से परेशान है। और जैन दर्शन में ऐसी देवता नहीं है, जैन दर्शन में तो तीर्थंकर है दुर्गा जी, बोले तीर्थंकर। आप वो क्या कहते हैं, तीर्थंकर आत्मा की सिद्धि की कामना वालों के साथ है। और आप कौन सी कामना मांग रहे हैं, तो वहां पर दूसरे धर्म पहले धर्म में या सनातन धर्म में हर काम के लिए अलग अलग देवता उनको विभाग बांट दिया होता है। विद्या चाहिए तो सरस्वती के पास, धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास, पानी बरसाना तो इंद्र के पास, और इसके बाद है हवा चलाना तो पवन देवता के पास, और इसके उपरांत अगर आपको खाद उठवाना तो खजिया देवता के पास, और अगर आपको अपनी निरोग चाहिए तो धनवंतरी के पास। सब देवता है, लेकिन जैन धर्म में इन सब कामों के लिए कोई देवता नहीं है, एक तीर्थंकर ही ऐसे है जिनके पास बैठ करके आप लौकिक वैभव भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी सच्ची भक्ति करके और परमार्थ को भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देवेंद्र जग मई मान ममे मान राजेंद्र जग जो जिनेंद्र देव की भक्ति करता है वो देवेंद्र का पद प्राप्त करता है, राजेंद्र का पद प्राप्त करता है, और धर्मेंद्र का तीर्थंकर का पद भी प्राप्त करता है, और अंत में मोक्ष सुख प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर देता है। तो आपको क्या चाहिए, साड़ी लाड़ी गाड़ी, क्या चाहिए बोलो बलोच। गाड़ी तो आ गई और लाड़ी भी आ गई, आप क्या चाहिए, साड़ी तो कर। और महिलाओं के लिए साहु के लिए साड़ी, बहुत साड़ी तो एक खास चीज, साड़ी की कीमत देना। एक बार क्या हुआ, एक बोर्ड पर लिखा गुजरात में अहमदाबाद में लिखा कि 60 रुपए में बेच आई। तो एक बच्चा आया बोले मम्मी मम्मी 60 रुपए में बेच आई, तो मम्मी बोली छत कहाँ है, लेके लेके 3 मंजिल तक चढ़ी, उसने लिखा था 60 रुपए में 2 साड़ी को पॉलिश की गई। कितने में किया जाता है, 60 रुपए में 2 साड़ी नहीं मिलती है, 60 रुपए में 2 साड़ी में पॉलिश किया जाता है। इसलिए स्वसिद्धि कामेर जनन लोके ये जनन जो है ना लोक में अपनी सारी सिद्धियां तीर्थंकरों के माध्यम से, तीर्थंकर की भक्ति के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह अहिंसा भगवान का सारा सला, बोलिए अहिंसा में विश्व धर्म की, आचार्य देव की, आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री कुंत सागर महाराज की। जब भी जाते संजय करो सुमन मस्तक धरो सदा दे तो दो हे जवान भारती मातो जब बने ज्योति रासना गए सुपाल सुचे देव तुम्हारी अंत को गुरु श्री वाले ग्रंथ दया धर्म पालो
सरदार